अध्यक्ष महोदय, ये 139.50 एकड़ अर्थात कुल भूमि का 47% जमीन रैयती है महोदय। तो आज जमीन के अलावा उसका और कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार बोलती है कि पर्यावरण को बचाएंगे, वो जंगल पहाड़ इलाका है और वहां पर सिर्फ उन लोगों का जमीन है महोदय, और इसके सिवा कुछ नहीं है। आप जमीन ले लेंगे और उसमें आप लिखते हैं कि विस्थापित नहीं होंगे। अगर आप जमीन ले लेंगे तो कहां रहेंगे वो? केवल घर में रह के क्या करेंगे? और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये शुरू से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रही है पर महोदय। आज यहां के लोगों को पूरा उम्मीद था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा जंगल बचेगा, हमारा जमीन बचेगा, हमारा जल भी बचेगा। तो आज जहां पर हम सरकार उसको कुछ नहीं दे पाया, और आज उन लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है। मैं हवाई अड्डा से कभी विरोध नहीं करता हूं, और जगह आप चिन्हित करिए ना। इतना बड़ा झारखंड में, इतना बड़ा संताल परगना में, बहुत जगह आपको जगह मिलेगा। लेकिन महोदय, इस तरह से एक जंगल में रहने वाले प्रिमिटिव ट्राइब्स और एक आदिवासियों को वहां से एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को उजाड़ा जाएगा महोदय, ये कहां से सोभरी बात है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सरकार कि आप दूसरे जगह गोड्डा जिला में, अभी बहुत है देवघर में एयरपोर्ट बना, अभी वहां हम गए थे कमिटी लेकर के, वहां पर बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए, और उन लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को अभी तक जमीन का कंपनसेशन नहीं मिला, एक दो गांव का अभी तो कहीं पलायन कर गया। तो यही सब होगा महोदय राज्य अलग होने के बाद। आज माननीय गुरु जी का क्या सपना था? गुरु जी बार बार इस बात को बोलते थे कि हम डैम से उजर रहे, हम खदान से उजर रहे और एयरपोर्ट से उजर रहे। तो एक तो समाहरणालय साहेबगंज का बना आदिवासियों के जमीन पर, ब्लॉक भी बना आदिवासियों के जमीन पर, थाना भी बना आदिवासियों के जमीन पर। किस तरह से लोग जमीन को बचा के रखे हैं। तो वो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है। तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि आप समय रहते, और वहां पूरा विरोध हो रहा है और यहां लिखा है कोई विरोध नहीं है। विरोध स्थल जहां हुआ था जबरदस्त, लोग 10,000 से भी लोग ज्यादा जमा हुए थे, और उन लोगों ने जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको बुलाया भी था, और उसी स्थल से हमने डीसी को भी फोन किया कि यहां पर पूरा विरोध है, आपकी जगह अन्यत्र चयन करें। तो इतना विरोध होने के बाद भी जबरदस्ती, भाई हम कहते हैं महोदय, चुनाव के टाइम में गांव में गरीबों का पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, और सरकार बन जाने के बाद सामंत के सामंत लोगों का हो जाता है, ये कहां का न्याय है महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं, वो सीधे साधे जिसके मुंह में बोली नहीं, जो गरीब ये है, लाचारी है, बेवफा बेचारी, और वैसे लोगों को अगर हम एयरपोर्ट के नाम पर उजाड़ देते तो कहां जाएंगे लोग। इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से, बने कहीं दूसरे जगह बने। अब वहां जंगल पहाड़ में लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। महोदय, मैं पुनः मंत्री जी से, सरकार से आग्रह करता हूं, बैठिए वहां विरोध भी है, सारे लोग उस इलाके के लोग, 17 गांव के लोग, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अब बैठिए ना, हम बात करवा। इसलिए महोदय मैं आग्रह करता हूं, माननीय मंत्री जी, हवाई अड्डा बने, माननीय मंत्री जी पाकुड़ में बने, आपका बरहेट में बने, बरहेट विधानसभा में बने, बोरिया में पता जगह ही नहीं हुई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।